नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद रिद्धिमान साहा ने मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को लेकर विवादित बयान दिए थे। रिद्धिमान साहा ने कहा था कि द्रविड़ ने उन्हें टेस्ट से संन्यास लेने की सलाह दी थी। इसके साथ ही गांगुली ने कहा था कि जब तक वो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं तब तक उन्हें कुछ नहीं होगा। साहा के इस बयान पर पहली बार राहुल द्रविड़ ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए इसका जवाब भी दिया है। श्रीलंका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। इसमें स्टार विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को सिलेक्ट नहीं किया गया है। इसके बाद साहा ने कोच राहुल द्रविड़ को लेकर कुछ खुलासे किए थे। रिद्धिमान साहा ने कहा था कि द्रविड़ ने उन्हें संन्यास लेने की सलाह दी थी। साहा के इस बयान पर अब कोच राहुल द्रविड़ का बयान सामने आया है। दरअसल वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरा T20 जीतने के बाद द्रविड़ ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल द्रविड़ ने कहा कि साहा ने जो क्रिकेट में योगदान दिया है उसका मैं सम्मान करता हूं। मैं नहीं चाहता कि जो मैंने उससे कहा वह बात उन्हें दूसरों से सुनने पड़े। मैं चाहता था कि वह पूरा सच मेरे से ही सुने। इसके साथ ही द्रविड़ ने कहा कि मुझे लगता है कि वह ईमानदारी और चीजों को सही तरीके से जानने के हकदार थे। मैं नहीं चाहता था कि उन्हें इस बारे में मीडिया से पता चले। मुझे इस बात की कभी उम्मीद नहीं रहती है कि खिलाड़ी सभी पहलुओं को लेकर हमेशा मुझसे सहमत होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे छिपाएं। मैं वास्तव में इस तरह की सामने से बातचीत करने में विश्वास करता हूं, इसलिए इससे मैं आहत नहीं हूं। राहुल द्रविड़ ने कहा है कि ऋषभ पंत ने अब टीम में अपना स्थान पक्का कर लिया है। टीम इंडिया अब एक और युवा विकेटकीपर बल्लेबाज को तैयार करना चाहती है। द्रविड़ ने कहा है कि रिद्धि के लिए मेरे मन में जो सम्मान है उसके कारण मुझे लगता है कि वह स्पष्टता के हकदार थे। ऋषभ के नंबर एक कीपर के रूप में स्थापित होने के साथ हम एक और कीपर को तैयार करना चाहते हैं। इस घटना के बाद भी रिद्धि के प्रति मेरे सम्मान में कोई बदलाव नहीं आएगा। इस खबर में इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।